बना लो, आग से जला दो, आग ही शक्ति है, आग ही किस्मत है। प्रायश्चित करना पड़ेगा, आपको अपना लो, आग से जला दो, आग ही शुद्धि है, आग ही किस्मत है। पाप किया है आपने, प्रायश्चित करना पड़ेगा, आपको अपना लो, आग से जला दो, आग ही शुद्धि है, आग ही किया है आपने। मुझे नहीं होगा ये सब, मैं खुद के साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे नहीं होगा ये सब, सोचो मुझे नहीं होगा ये सब, मुझे नहीं होगा ये सब। ठीक है, मैं करूंगी, मैं करूंगी, प्लीज तुम लोग यहां से चले जाओ, तुम दोनों जाओगे और मैं खुद को जला लूंगी, ठीक है, मैं करूंगी, तुम लोग जो कहोगे मैं करूंगी, हाँ, I'm ready, तुम लोग जाओ, प्लीज जाओ। अभी अभी आपने एक बेहद अजीबोगरीब हादसा देखा, लॉजिकली देखें तो कुछ समझ में नहीं आता है, आखिर इस लड़की को दो भयानक दिखने वाली जुड़वा बच्चियां क्यों डरा रही थी? इस लड़की के साथ जो कुछ गुजरा वो उससे इस कदर डर चुकी थी कि डर से निजात पाने के लिए उसने खुद को आग ही लगा ली। कहते हैं वास्तविकता कल्पना से भी ज्यादा विचित्र होती है, और आज जो सच्ची घटना हम आपको दिखा रहे हैं वो वाकई किसी भी कहानी से कहीं ज्यादा विश्वसनीय है। सच्चाई जानने के लिए आइए चलते हैं कुछ अर्सा पहले, जब यह भयानक सिलसिला शुरू हुआ था। जी अभी पहुंची हूं मैं। पापा कुछ नहीं होगा मुझे, अंजलि है मेरे साथ में, बताया तो था मैंने आपको, हम ना उसकी फार्म हाउस पे रुके। यू नो पापा, शिमला इतना ब्यूटीफुल है। अरे अब ये क्या सवाल है पापा, ऑब्वियसली वो मेरे साथ ही है, आपका बस चले ना, आप तो मेरी शादी किसी पता नहीं सिक्योरिटी गार्ड से करवाते। अच्छा एनीवेज, हम ना अभी तारा देवी मंदिर देखने जा रहे हैं, ओके तो मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, बाय पापा, बाय 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 बाय। हो गई, पापा से बात करके फार्म हाउस का टूर, फार्म हाउस का कराता हूँ तुम्हें, फार्म हाउस का टूर। क्या हुआ? कुछ अजीब से सपने आ रहे हैं, तो जुड़वा लड़कियां। एनीवेज टाइम क्या हो रहा है? टाइम 5 बज रहे हैं, वो तुम्हें उठाया नहीं क्योंकि तुम्हें रात भर जो जागना है मेरे साथ। क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? आई डोंट नो, पापा से इस तरह झूठ बोल के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्रतीक, हम पापा को अपने बारे में क्यों नहीं बता सकते? यार प्रिया, हम पहले भी इस चीज पे डिस्कस कर चुके हैं, हमने डिसाइड किया था कि हम इस टॉपिक के बारे में आगे डिस्कशन नहीं करेंगे। अरे यार, हम बाहर घूमने आए हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, तुम ये सारी पुरानी बातें निकाल के क्यों मूड खराब कर रही हो? एक सेकेंड, यहाँ पे आना हमने नहीं, तुमने डिसाइड किया था। मैं तो तुम्हें पहले से कह रही हूँ कि अगर तुम्हें पापा से मिलने में दिक्कत हो रही है तो मेरी दीदी से मिल लो, मेरी दीदी और मैं, इट्स लाइक वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, हम लोग एक दूसरे के साथ सारी चीजें शेयर करते हैं, पर तुम्हें तो उनसे भी नहीं मिलना है। मैडम तुम शायद भूल रही हो, अरे तुमने ही कहा था तुम्हारी बहन नेहा वो पापा की फेवरेट है, पापा को तुरंत चुटकियों में सब कुछ बता देगी। तो क्या होगा अगर दीदी पापा को सब कुछ बता देगी?
हमें एक दिन शादी करनी है ना, तो फिर क्यों सबसे सब कुछ छुपाना है? प्रिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, एक बार और कह देता हूँ, कान खोल के सुन लो। मुझे जब ढंग की जॉब मिल जाएगी, अरे तुम्हारे पापा को क्या, रेडियो में अनाउंसमेंट करवा दूंगा यार। और तुमने ही कहा था कि तुम्हारे पापा थोड़े ओल्ड फैशनेबल टाइप के हैं, जॉब वाला लड़का ही चाहते हैं। प्रिया, लिसन, आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, बट आई लव यू डायमंड, आई लव यू अ लॉट। यू नो व्हाट आई फील प्रतीक, कमिटमेंट के बिना ना ये लव कुछ नहीं है, इट्स जस्ट एन अफेयर, और मुझे कोई अफेयर नहीं रखना है। अब हम तभी मिलेंगे जब तुम मेरे पापा से मिलने के लिए रेडी हो। अरे प्रिया, लिसन टू मी यार, आई सी, बाय। तुम कहां जा प्रिया? I'm so sorry बेटा। तो तुम दोनों ट्विंस हो? मैं एक सेकंड के लिए तो डरी गई थी। I'm प्रिया, आपका नाम? बुराई है तुम्हारे अंदर, अंधेरा है तुम्हारे अंदर, आग को अपना लो, आग से जला दो, आग ही शुद्धि है, आग ही किस्मत है, बुराई है तुम्हारे अंदर। बाबा, आपके और दीदी की बहुत याद आ रही है, मैंने सोचा आ जाती हूँ। अच्छा चलो, आराम कर लो, ठीक है, मैं मिलता हूँ। जी ओके, बाय। लड़ाई करके आई है या फिर सच में मिस करी थी? दी, मैंने कहा ना, मेरे कोई बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड नहीं है, और मैं सचमुच अंजलि के साथ ही थी। अरे सुन ना, तो बता ना यार, इस अंजलि के साथ मतलब तेरा चल कब से रहा है यार? ऐसा कुछ नहीं है। अरे बता भी दे यार, वैसे भी तुझे पता है कि तू जब तक बोलेगी नहीं तब तक तो मैं तेरा पीछा छोड़ने वाली हूँ नहीं, और वैसे भी यार मानना पड़ेगा इस अंजलि को, काफी मतलब तुझे सीक्रेट हॉलीडेज पे लेके जाता है, जाती है, मतलब तुझे काफी एडवेंचरस बना दिया है। प्लीज मुझे रिटर्न मत कर। अरे सुन तो यार, तू कहाँ जा रही है, सुन ना मेरी बात। बुराई है तुम्हारे अंदर, आग को अपना लो, आग से जला दो, आग ही शुद्धि है। छोटू, क्या हुआ यार? अब बता। देख, जब तक तू मुझे नहीं बता देती तब तक मैं तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूं। बता ना कैसी थी ट्रिप? यार मैं यहाँ पे एक्साइटमेंट से मरी जा रही हूँ, और तू है कि मुझे कोई डिटेल बताती नहीं। दीदी मैं बहुत थक गई, मुझे प्लीज सोने दो। इतना बोरिंग कब से हो गई यार? Thank you.
किया है तुमने। प्रायश्चित करना पड़ेगा। आपको अपना लो, आग से जला दो। आग ही शुद्धि है, आग ही किस्मत है। तुझे कब से तेरा वेट कर रही हूँ, नाश्ते पर क्यों नहीं आई तू? चल अभी खाएंगे कुछ। चलो दीदी मुझे मूड नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो मेरे साथ, चलो चलो। पाप किया है तुमने, प्रायश्चित करना पड़ेगा। आपको अपना लो, आग से जला दो। आग ही शुद्धि है, आग ही किस्मत है। वो दोनों हमारे सामने कहा दीदी? वो जुड़ो दूर सीढ़ियों पे मुझे मारना चाहते हैं। सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, वहां कोई नहीं है, तुझे स्ट्रेस हो रहा है, चल रेस्ट लेते, ठीक है? कोई नहीं वहां पे छोटू, चलो। ले जाओ छोटू, खाना लेकर आई तेरे लिए। दीदी मुझे दूर से बचाओ। दीदी ये लोग मुझे मार डालेंगे। दीदी दीदी नहीं, दीदी बचाओ मुझे दूर से, ये लोग मुझे मार डालेंगे। दीदी कोई नहीं प्रिया, दूर लेके जाओ मुझे। तू दीदी मत रो, जुड़वा दीदी, प्रिया से नहीं बचाओ दीदी। 22 वर्षीय प्रिया के साथ जो कुछ हो रहा था बिल्कुल अविश्वसनीय था, और हैरत की बात यह थी कि ऐसा बार बार हो रहा था। आखिर ये दोनों बच्चियां उसके पीछे क्यों पड़ी हुई थी, किस शुद्धि की बात कर रही थी, और प्रिया के बारे में ऐसा उन्हें क्या मालूम था? ये बच्चियां कब आती थी, कहां से आती थी, किसी को भी पता नहीं चलता था। इन दोनों बच्चियों का डर इस कदर हावी हो चुका था प्रिया पर कि अब उसे सोते जागते हर वक्त ये बच्चियां नजर आती थी, और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पापा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पहले प्रिया को इतना टेंस कभी नहीं देखा, उसके एग्जाम्स के टाइम पे भी वो इतना टेंस नहीं रहती थी। पापा एक बार ही ना मुझे लगता है कि उसको एक साइकियाट्रिस्ट को दिखा देना चाहिए। कैसी बातें करती हो बेटी, बहन है वो तुम्हारी, भाई थोड़ा स्ट्रेस है और क्या बस। अब तुम्हारी चाची को भी तो यही सब था ना, दो चार दिन घूमेगी फिरेगी सब ठीक हो जाएगा, तुम खुद भी रिलैक्स करो उसे भी रिलैक्स करवाओ, ठीक है? नहीं यार, मूवी फिर कभी देख लेंगे। एक तो पापा बाहर गए हुए और प्रिया को इस हालत में छोड़ के मैं नहीं आ सकती। नहीं प्लीज यार, सॉरी। चल अच्छा ठीक है, बाय।
साइड करने की कोई वजह, पढ़ाई में दिल ना लग रहा हो या कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर हो, कुछ आइडिया है आपको? कैसी बातें करते हो इंस्पेक्टर, मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं थी, इज्जत देख के बात क्या करें प्लीज। एक जवान लड़की बगैर वजह खुद को आग के हवाले क्यों करेगी, कुछ तो गड़बड़ है। एक असामयिक मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है, पर ऐसा ही हो रहा था प्रिया के परिवार के साथ भी। असल में क्या हुआ था प्रिया के साथ? वो जुड़वा बच्चियां उसे आग से शुद्धि के लिए क्यों कह रही थी? उनके साथ क्या रिश्ता था प्रिया का? क्या जो कुछ प्रिया के साथ हो रहा था वो उसका वहम था? क्या नेहा का मानना सही था कि प्रिया किसी मानसिक बीमारी की शिकार थी? आखिर यूं किसी से कुछ कहे बिना अचानक क्यों चली गई प्रिया? ऐसे कई सवाल थे, लेकिन किस सवाल के जवाब के पीछे छिपी थी सच्चाई? हाय, मैं प्रतीक। देखिए, आप मुझे शायद नहीं जानती, लेकिन मैं प्रिया की मौत की वजह हूं। देखिए, अगर मुझे जरा सा भी एहसास होता ना कि प्रिया ये सब करेगी, तो मैं शायद कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं घुसता, सीधा जाके उसके पापा से मिल लेता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी इस छोटी सी मिस्टेक के लिए प्रिया इतना बड़ा कदम उठा लेगी। देखिए रुकिए, मैं जानता हूं कि मेरा आपसे माफी मांगने का कोई हक नहीं बनता, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, प्रिया को कोने का दर्द मुझसे ज्यादा शायद और किसी को है। Really? तुम प्रिया के बॉयफ्रेंड होगे, लेकिन वो मेरी बहन थी। मैंने अपनी बहन को और मेरे पापा ने अपनी बेटी को खो दिया है। Life is all about love and loss. लैपटॉप को क्या हो गया यार? बोलो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सॉरी नेहा, तुम्हें फिर से डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मैं बस ये प्रिया का सामान तुम्हें देना चाहता था, क्योंकि अब इस पर मेरा कोई हक नहीं बनता। नहीं प्रतीक, मैं ये नहीं ले सकती, और उस दिन के लिए सॉरी। एक्चुअली
उस दिन मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं थी प्रिया की डेथ से. एनीवे छोड़ दो, ये सामान तुम अपने पास ही रखो. प्रिया ने बहुत प्यार से दिया था ना, बहुत प्यार करती थी वो तुमसे. तुम चाचा ही कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं. फ्रेंड्स अच्छा प्रतीक, कभी प्रिया ने तुमसे किसी जुड़वा बच्चों का जिक्र किया था क्या? नहीं नहीं, पर हमने बच्चों की बात की थी शादी के बाद. क्यों, प्रिया ने तुमसे कुछ कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. प्रिया की मौत के गम में डूबे नेहा और प्रतीक को आखिरकार एक दूसरे की संगति में सुकून और सहारा मिला. प्रिया की यादें ताजा रखते रखते वो दो अनजाने अच्छे दोस्त बन गए. देखो प्रतीक, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, बहुत टाइम हो गया और अपने पास में जीने का भी कोई फायदा तो है नहीं. और मैं जानती हूँ प्रिया होती तो वो भी यही चाहती कि तुम आगे बढ़ो, पर उसके लिए खुद ये इतना आसान नहीं था क्योंकि प्रिया नेहा का कल ही नहीं आज भी थी. जब तक उसकी मौत का राज नेहा को पता नहीं लगता उसे चैन नहीं मिलेगा. प्रतीक कहाँ हो तुम यार, कितनी बार कॉल किया तुम्हें, उठाया क्यों नहीं? पता नहीं था कि इतने करीब आ जाएंगे इतनी जल्दी. आई नो, पर तुम पता है मैं तुमसे जितना क्लोज फील करता हूं ना, मैंने आज तक शायद ही किसी और के साथ किया हो. शायद इसलिए क्योंकि मैं तुमसे हर एक चीज शेयर कर लेता हूँ बहुत ही आसानी से. नहीं नहीं नेहा रुको, नेहा मैं जानता हूं ये बहुत अजीब है, बहुत अलग है. मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुका हूं, बहुत कुछ. मैं किसी भी हाल में तुम्हें नहीं खोना चाहता. नहीं प्रतीक, लेकिन तुम प्रिया से प्यार करते हो. आई नो, मैं जानता हूं प्रिया तो इनफैक्ट उसको तो अच्छा लगेगा कि मैं किसी और की बजाय उसकी बेस्ट फ्रेंड उसकी बहन के साथ हूं. अपनी एक नई रिंगटोन सेट की है. प्रतीक? हाँ? पापा को अभी इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, एज इट इज उनकी हालत, मैं उन्हें और स्ट्रेस नहीं देना चाहती. तुम जैसे कहोगी हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे. ओके. हेलो प्रतीक. हाँ नेहा बोलो. प्रतीक उस दिन नहीं होना चाहिए था प्रतीक, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई. अब क्या करेंगे? हाँ? तुम सुन रहे हो प्रतीक, मैं कुछ बोल रही हूँ. हेलो नेहा, ओके जस्ट रिलैक्स नेहा. नेहा मैं जानता हूँ कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है लेकिन इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है. व्हाट, आर यू क्रेजी? कैसे सकते हो यार, पागल हो गए हो क्या? जब शादी कर रहे हैं तो क्या जरूरत है? प्रतीक
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आ गई तो पसीने छूट गए तुम्हारे। अरे नेहा ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा तुम यही चाहोगी इसलिए बोला। लेकिन खैर अगर तुम ये नहीं चाहती हो तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे तुम चाहती हो। तुम कल मेरे घर पे आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। अरे तुम ये सब। लो जी शादी की शॉपिंग पार्ट वन। हाँ अब बताओ क्या कह रही थी मेरे बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब। मैं एक स्टूपिड सी गलती की वजह से मैं प्रिया को ऑलरेडी खो चुका हूँ, अब एक और गलती करके मैं तुम्हें किसी हाल में खोना नहीं चाहता, किसी भी हाल में नहीं। तो फिर शुरू करें शादी की प्लानिंग। पाप किया है तुमने, प्रायश्चित करना पड़ेगा। कौन कौन है वहाँ? वो ही जिन्होंने तुम्हारे बहन को मुक्ति दी। अब तुम्हारे बारी, बुरा है तुम्हारे अंदर, अंधेरा है तुम्हारे अंदर, आग को अपना लो, आग से जला दो, आग ही शुद्धि है, आग ही किस्मत है। प्रिया के बाद अब नेहा के साथ भी वही सब कुछ हो रहा, तो क्या वाकई वो जुड़वा बच्चियां अब नेहा के पीछे पड़ गई थी, या ये उसका वहम था या कोई मानसिक बीमारी। दरअसल कई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी मानसिक बीमारियां हेरिडिटरी होती हैं और वो एक ही परिवार में एक से ज्यादा सदस्यों को हो सकती है, यानी परिवार के सदस्य में ऐसी बीमारी के लक्षण जन्म से ही मौजूद होते हैं और वो बीमारी किसी भी अप्रिय घटना से सक्रिय हो सकती है। तो क्या नेहा और प्रिया भी ऐसे ही किसी डिसऑर्डर की शिकार थी जिसकी वजह से अब नेहा को भी दौरे पड़ रहे थे? क्या नेहा का अंजाम भी प्रिया जैसा ही होने वाला था? नेहा ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की वजह से ये सब चेंजेस होते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ी रेस्ट की जरूरत है, सब ठीक हो जाएगा। पापा ने भी प्रिया को यही बोला था, स्ट्रेस है रेस्ट ले लो सब ठीक हो जाएगा। प्रतीक उसका नतीजा हम दोनों ने देख लिया ना, मैंने सच में वो ट्विंस देखे हैं यार, और प्रिया भी इन्हीं ट्विंस के बारे में बात करती थी। वो तो प्रेग्नेंट नहीं थी, फिर उसको क्यों दिख रहे थे ये ट्विंस? नेहा प्रिया तुम्हारी बहन थी, उसे ट्विंस दिखते थे, तो हो सकता है इसलिए तुम्हें भी वो लग रहा हो। वाह प्रतीक वाह, ये कोई श्राप नहीं है जो एक बहन से दूसरी बहन को लग जाएगा। प्रतीक मैंने सच में उन ट्विंस को देखा यार। ठीक है एक काम करते हैं, जो तुम्हारा ट्विंस का मैटर है ना इसे घर पर सॉल्व करते हैं, ठीक है चले। बुरा है तुम्हारे अंदर, आग ही शुद्धि है। प्रतीक, अंधेरा है तुम्हारे अंदर, प्रतीक वो देखो, देखो वो ट्विंस। प्रतीक वहाँ। अरे मुझे कोई ट्विंस ही दिख रहा है वहाँ पर। प्रतीक अरे यार ये तुम ये पागलपंती की हरकत करना बंद करो। प्रतीक अगर तुम ये सब करती रही ना तो मुझे लगता नहीं मैं तुमसे शादी कर पाऊंगा। चलो यार सब यार। Ha ha ha!
दो मेरा पीछा, छोड़ दो मेरा पीछा। तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। चांसेस बहुत कम है, नेहा प्रेग्नेंट थी। क्या पापा जी, आपसे इसी बारे में बात करना चाह रही थी पर आपने उसकी इतनी सुनी। पापा प्रिया झूठ नहीं बोल रही थी, वो जुड़वा बच्चे। सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि तुमने ये सब क्यों किया, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों। पापा अभी अभी हमें खबर मिली है कि मनाली के एक कॉलेज की एक छात्रा ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली है। इस छात्रा का नाम अक्षता सिन्हा था। हमारे संवाददाता की बात इस छात्रा की फ्लैटमेट चांदनी से हुई। चांदनी के अनुसार अक्षता पिछले 2-3 दिनों से काफी परेशान थी। वो अनाप शनाप बोला करती थी, जैसे जुड़वा बच्चिया, शुद्धि करनी है, आग को अपना लो और ऐसी सारी अनाप शनाप बातें। इस पर ज्यादा जानकारी मिलते ही हम वापस लौटेंगे। धन्यवाद। प्रिया की मौत के बाद अब नेहा ही नहीं, कई और लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही। तो क्या शहर में कोई मास हिस्टीरिया फैल रहा था जिसमें कई लोगों को एक साथ एक जैसे वहम होने लगते हैं? वो जुड़वा बच्चियां कई और लड़कियों को दिख रही थी और वो लड़कियां उनका शिकार बन रही थी। आखिर इन घटनाओं के पीछे सच्चाई क्या थी और उन जुड़वा बच्चियों का इन लड़कियों से क्या ताल्लुक था? सुबह शाम दिन रात बस वही बातें किया करती थी, आग ही शुद्धि है, प्राश्चित करना पड़ेगा, आग से ही मुक्ति है। एक्चुअली उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो छुप छुप के मिला करती थी, रात भर चैटिंग, वीकेंड्स पे ट्रिप। उसका नाम पता है आपको? सॉरी। अभी अभी जुड़वा बच्चों से जुड़ा एक और नया मामला सामने आया है जिसमें एक शादीशुदा औरत ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। खास सूत्रों से मिली जानकारी से हमें ये पता चला है कि इस मामले में भी जुड़वा बच्चों के लक्षण पाए गए हैं। इस नए मामले के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं और फिर इन लड़कियों को जुड़वा बच्चे दिखते हैं? नेहा, शादी की बात करने नहीं आई थी। नेहा, I'm so sorry। मुझे पता चला तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके बाद ना मुझे कुछ समझा, ना मैं कुछ कर पाया, ना कुछ बोल पाया। अच्छा, तो तुम बेसिकली डर गए थे कि कोई आधी जली लड़की तुमसे शादी की बात ना कर दे। Oh, come on, नेहा, तुम जानती हो आजकल हर जगह हो रहा है ये सब, हर लड़की के साथ। I know। और मैंने तो पूरा एक्सपीरियंस ही कर लिया। फ्रेंड्स, ओके देन, थोड़ा काम था मुझे, मैं काम करता हूँ, आई विल कॉल यू लेटर। ओके, बाय बाय। Oh,
बॉयफ्रेंड को सिर्फ एक बार देखा था। कैसा दिखता था, मतलब क्या पहना था, कुछ भी अगर आपको याद आए। उसने रेड कलर की जैकेट पहनी थी और बाइक पे था वो, और आर्म्स के दोनों साइड पे याक का बैच बना हुआ था। चांदनी का है? चांदनी तो शायद छोड़ के चली गई, शायद आपको बस स्टॉप पे मिल सकती है। चांदनी, 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 क्या ये है वो फोटो, वो बैच? चलो मेरे साथ, चलो। मैं इस पंगों में नहीं पढ़ना चाहती, प्लीज। चांदनी, चांदनी मेरी बात तो सुनो यार, चांदनी प्लीज। हिप्नोटिज्म? हाँ, ये है मेरी स्पेशल टेक्निक। इससे हिप्नोटाइज दूर से ही कर सकते हैं। मुझे मालूम था कि तुम तुम्हारी स्टूपिड बहन से ज्यादा समझदार होगी, इंटेलिजेंट होगी, और वैसे भी काफी क्यूरियस कर दिया था उसने मुझे तुम्हारे बारे में बता बता कर। क्यों किया ये सब? क्यों किया बताऊं तुम्हें? तुम्हारी वो बहन प्रिया, शादी करनी थी उसे मुझसे, और तुम्हें बच्चा चाहिए था, और किसी को पैसे चाहिए थे, बस इसलिए क्या मैंने। और वो जुड़वा? अरे कुछ नहीं था वो जुड़वा तिड़वा, मेरा ही बनाया हुआ एक छोटा सा वहम था जो मैंने तुम लोगों के दिमाग में डाल रखा था। मैडम, इसे कहते हैं हिप्नोटिज्म। और हाँ, तुम्हारी बहन प्रिया, अरे उसका तो स्पेशल थैंक्स बनता था, लेकिन वो तो बेचारी पहले ही मर गई। आखिर उस पर तो किया था मैंने लाइफ एक्सपेरिमेंट इस हिप्नोटिज्म का। प्रिया, वो देखो, वो पोस्टर देखो, वो उन दो जुड़वा बच्चियों का। अब ये दो जुड़वा बच्चे ही तुम्हें बचा सकती हैं। आग ही शुद्धि है, आग ही मुक्ति है, आग ही किस्मत है। और हाँ, बहुत काम आया मेरे हिप्नोटिज्म, एक साथ बहुत सारी लड़कियों को डेट करने में। और जब तुम लोग मेरी बात नहीं मानती थी, मेरे हाथ से बाहर चली जाती थी, तो मुझे मजबूरन प्लान करना पड़ा कि तुम लोगों को अपने रास्ते से हटा दूं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि तुम लोग खुद ही हट जाओ मेरे रास्ते से। तो तुमने वो जुड़वा हमारे दिमाग में इसलिए डाले ताकि हम आपको आग लगाकर मार डालने की कोशिश करें? ना ना डार्लिंग, ऐसा कुछ नहीं था। अरे मेरे हिप्नोटाइज करने के बाद वो ट्विंस तो तुम्हारे दिमाग के अंदर पहले से थे, मुझे तो उनको अपनी उंगलियों से एक्टिवेट करना था। एक्टिवेट? देखना चाहोगी? बस एक छोटा सा ट्रिगर देना होता है। तुम्हारे मोबाइल में मैंने अपनी एक नई रिंगटोन सेट की है। कूल है ना? अच्छा है ना? यार बेचारा मैसेज में मैसेज किया जा रहा है, तो पढ़ तो सही, रिप्लाई कर दे। पाप क्या है तुमने, प्रेषित करना पड़ेगा, आग को अपना लो, आग से जला दो। एक रिंगटोन, सिर्फ एक, और वो दोनों जुड़ गया बच्चियां तुम्हारे सामने। सच नहीं हो तुम पोस्टर हो, सच नहीं। जला दूंगी, खुद को जला दूंगी। हिप्नोटिज्म? आदि जली, तुम वैसे भी अच्छी नहीं लगती नेहा। जला दूंगी। क्यों ना आज तुम्हें पूरा जला दिया जाए? खुद को जला दूंगी। आ,
तुमसे बात करने के बाद मुझे रहा ही नहीं गया और मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। मैं कैरोसिन डाल रही थी। पीछे हटो। बस मरना तो पड़ेगा तुम्हें। देखो मेरी इन आंखों में, हाँ देखो बहुत हो गया तेरा 10-12। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, ठोक दूंगा 2-4 अंदर। चांदनी तूने ये बहुत अच्छा किया जो हमें खबर कर दी। आखिर ये हो क्या रहा है? हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिज्म। ए सारे जला दूंगा। ए चलो इसे। प्रतीक कोई जादूगर नहीं बल्कि एक हिप्नोटिस्ट था। हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन क्रिया, एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक जिसके सहारे कई मानसिक रोगों का इलाज भी किया जाता है। इस तकनीक द्वारा आपके अवचेतन दिमाग यानी सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करके उसमें दबी हुई बातों को बाहर निकाला जाता है। अंधविश्वासी लोग इसे जादू टोने और तंत्र मंत्र का नाम देकर अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं और अपने साथ साथ औरों को भी अपराधियों का शिकार बना डालते हैं। प्रतीक इसी तकनीक का माहिर था लेकिन उसने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया। जब प्रिया, नेहा और दूसरी लड़कियों को ऐसे अनुभव होने शुरू हुए थे उन्हें तभी किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाया जाना चाहिए था। लेकिन अंधविश्वास की बदौलत लोगों ने इसे भूत प्रेत का असर मान लिया और प्रतीक एक के बाद एक लड़कियों को अपना शिकार बनाता रहा। कई लड़कियों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए प्रतीक को आईपीसी के सेक्शन 306, आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120B और धोखाधड़ी के लिए सेक्शन 420 के तहत सजा सुनाई गई। याद रखिए, अंधविश्वास वो जानलेवा दुश्मन है जो समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर डालता है। अंधविश्वास आपकी भावनाओं और सोचने समझने की शक्ति के साथ एक खतरनाक मजाक है, इसलिए सावधान रहिए दिलो दिमाग को बस में करके आपको बेबस बनाने वाले अंधविश्वास के इस दुश्मन से। खुद भी सावधान रहें, औरों को भी सावधान करें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।